हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें राजस्थान पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग डेट है वो कब है, फर्स्ट और सेकंड राउंड की। इससे पहले वीडियो में हमने आपको इसकी जो मेरिट लिस्ट है और उसका रैंक कार्ड है कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बताया। इस वीडियो में हम आपकी जो काउंसलिंग है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है kathirijobs.com। और दोस्तों, ये जो पोस्ट है राजस्थान पॉलिटेक्निक मेरिट लिस्ट 2018, आप हमारी जो वेबसाइट है kathirijobs.com वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं इसकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो क्या है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो PDF है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने पूरी जो काउंसलिंग डेट है वो दी हुई है। प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की जो आपकी डेट थी 21/6/2018 से 19/7/2018 थी। 29 दिन ये आपका ऑनलाइन आवेदन चले। उसके बाद अस्थायी योग्यता सूची जो जारी करने की तिथि थी प्रिविजनल मेरिट लिस्ट वो 23/7/2018 को जो कि जारी होने वाली है। हमने पिछली वीडियो में बताया कैसे आपने जो मेरिट लिस्ट है वो देख सकते हैं। इसके बाद आपकी जो अस्थायी योग्यता सूची में संशोधन के लिए पोर्टल के माध्यम से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो 24/7/2018 से लेकर 27/7/2018 तक करने हैं, जो कि 4 दिन चलेंगे। उसके बाद अंतिम योग्यता सूची फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि जो रहेगी 31/7/2018 रहेगी दोस्तों। उसके बाद KMPH और एक्स सर्विस मैन, सिंगल मदर, चाइल्ड एंड डिपार्टमेंट एंड मैनुअल जो काउंसलिंग रहेगी उसकी जो डेट है वो 2/8/2018 को प्रातः 10 बजे रहेगी, जो एक ही दिन चलेगी दोस्तों। प्रथम सीट आवंटन की जो डेट है, जो प्रथम सीट आवंटन होगी आपकी, तो 4/8/2018 को होगी। उसके बाद प्रथम सीट आवंटन पश्चात निर्धारित नोडल केंद्र पर मूल दस्तावेज प्रक्रिया शुल्क ₹1000 के साथ रिपोर्ट करना तथा रिपोर्टिंग उपरांत यदि आवेदक चाहे तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए नोडल केंद्र पर आवेदन करना जो रहेगा वो 6/8/2018 से लेकर 11/8/2018 तक चलेगा, जो कि 6 दिन का ये दिन टाइम रहेगा। अपवर्ड मूवमेंट के आवेदकों की सूची वेबसाइट पर जारी करना जो डेट है वो 14/8/2018 को होगी। और द्वितीय सीट आवंटन फॉर चॉइस एक्सचेंज एंड अपवर्ड मूवमेंट कैंडिडेट्स की जो डेट है वो 16/8/2018 को होगी। और द्वितीय सीट आवंटन पश्चात निर्धारित नोडल केंद्र पर मूल दस्तावेज प्रक्रिया शुल्क ₹1000 के साथ रिपोर्ट करना 17/8/2018 से लेकर 21/8/2018 तक रहेगी। तो उसकी जो सेकंड लिस्ट जारी होगी वो 16/8 को होगी दोस्तों। उसके बाद आवंटित महाविद्यालय में मूल प्रमाण पत्र अवशेष शुल्क सारणी के अनुसार जमा करने की जो डेट है वो 23/8/2018 से लेकर 28/8/2018 तक चलेगी दोस्तों। नेक्स्ट में जो रहेगा सेकंड लिस्ट का, आवंटित महाविद्यालय में मूल प्रमाण पत्र शेष शुल्क सारणी के अनुसार जमा करने की 23/8/2018 से लेकर 28/8/2018 और कक्षाएं प्रारंभ होने की जो डेट है वो 29/8/2018 से स्टार्ट, आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। महाविद्यालय स्तर पर इंटरनल साइनिंग जो करना है किया जाना वो रहेगा 31/8/2018 को। तो आप यहाँ से पूरी जो काउंसलिंग डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। इसको आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप डाउनलोड करके इसकी जो डेट है वो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टेप रहने हैं जब जब आपका काउंसलिंग शेड्यूल जो रहेगा वो इसमें से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।